सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज मैं कुछ एडिटिंग टिप्स लेके आया हूँ कि फ़ोन के जो लाइटरूम एप्लीकेशन है वहाँ से इमेज एडिट कर सकते हैं या नहीं। तो मैं कहूँगा हाँ, इमेज बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं, जिनके पास पीसी वगैरह नहीं है तो वो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम एडिटिंग। सो ये मैंने इमेज लिया हुआ एक, जो काफ़ी पुरानी काम है मेरा, तो मैं थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ाऊँगा पहले। एक्सपोज़र के बाद मैं कॉन्ट्रास्ट पे जाऊँगा। सो एक्सपोज़र के बाद कॉन्ट्रास्ट पे जाके मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया ताकि बैकग्राउंड और जो जो ब्लैक पार्ट लाइक हेयर वगैरह हल्का सा ब्लैकिश लगे, दिखने में अच्छे लगे। और हाईलाइट पूरा माइनस कर दूंगा ताकि पीछे का बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छे से मिले और मॉडल के जो फेस है, जो स्ट्रक्चर है फेस का और बॉडी का, वो थोड़ा अच्छा पार्ट मिले। और जैसे कि मैंने थोड़ा शेडो भी बढ़ाया, शेडो बढ़ाने के बाद ही और वाइटनेस भी बढ़ाऊँगा। वाइटनेस इसलिए बढ़ाया ताकि जो मॉडल के जो फेस है और हैंड वगैरह है, जो बॉडी पार्ट दिख रहे हैं, वो काफ़ी क्लियर, मतलब क्लियर आने लगे, दिखने में बहुत अच्छा होने लग गया, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी कलर करेक्शन पे जाके मैं सैचुरेशन बढ़ाया थोड़ा सा, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और वाइब्रेंट भी बढ़ाया मैंने। उसके बाद हम मिक्स कलर पे जा रहे हैं। मिक्स कलर पे पहले तो रेड पे जाएंगे, तो रेड पे जाके ह्यू बढ़ाया मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ाया, 7 ओनली किया, ताकि वो साड़ी का जो कलर है वो काफ़ी खिल के आ गया, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा खिल के आ गया। और उसके बाद येल्लो पे जाके मैंने येल्लो का पूरा माइनस कर दिया ह्यू, ताकि बैकग्राउंड मुझे थोड़ा अच्छा लगे। ये जो एक एक पार्ट से देख रहे हो, जो पेड़ है वो थोड़ा सा येलो टोन देने लग गया। अब ब्लू पे जा, ग्रीन पे जाके मैंने ग्रीन बढ़ाया, सैचुरेशंस बढ़ाए, जैसे कि आप देख सकते हो स्किन पे मैं जो कर रहा हूँ। तो अब उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको एक अच्छा इमेज मिल जाएगा। जो बिगिनर फोटोग्राफर है, जिन्होंने नए नए कैमरा लिए हुए हैं, सॉरी गाइस वो कॉल आ गया था, कैमरा लिए हुए हैं, उनके पास जैसे लैपटॉप या पीसी है नहीं, सो वो फ़ोन के जो लाइटरूम एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है, वहाँ से अच्छे से एडिट कर सकते हैं। और मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप वैसे वैसे कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा इमेज मिल जाएगा। ये देखो आप, इमेज कितना प्यारा हो गया, लाइक डस्टी, थोड़ा सा डस्टी लाइक ब्लू हो गया पीछे का, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन, डस्टी ग्रीन पीछे का हो गया। और शार्पनेस पे आके मैं शार्पनेस इसलिए बढ़ाता हूँ हर इमेज में मेरे, ताकि कैमरा के जो लाइक लेंस है वो कभी कभार डस्ट वगैरह रहता है तो उतना क्लियरिटी वो दे नहीं पाता है, तो इसलिए मैं शार्पनेस बढ़ाता हूँ। मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया शार्पिंग, 44 बढ़ाया, तो जो इमेज है फटेगी नहीं बिल्कुल भी, इमेज क्वालिटी वैसे रहती है लेकिन इमेज का जो क्वालिटी वो दिखने में अच्छा हो जाता है, इमेज काफ़ी शार्प हो जाता है, इसलिए मैं बढ़ाता हूँ उस चीज़ को। और इसके बाद स्प्लिट टोन पे आएंगे, स्प्लिट टोन पे जाके मैंने क्लियरिटी बढ़ाया और ये वेंटेज पॉइंट थोड़ा सा कम किया ताकि बैकग्राउंड काफ़ी डार्क हो जाए और जो मॉडल का फेस है, बॉडी पार्ट है, वो थोड़ा सा लाइट लगे हमें। सो ये आप देख सकते हो, और रॉ इमेज आपको तो थंबनेल पे दिख ही गया होगा, और ये देख सकते हो आप कितना प्यारा इमेज आ गया, लाइक बहुत बढ़िया इमेज हो गया। सो आप बिगनर्स जो, वो आप लाइक ट्यूटोरियल देख के अच्छे अच्छे इमेज एडिट कर सकते हो फ़ोन के लाइटरूम में। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इसका पार्ट चाहिए तो मैं दूसरे लाइक प्रीशेड में बना सकता हूँ, जैसे ब्लू टोन हो गया, थोड़ा येल्लो हो गया, डिफरेंट पार्ट में मैं बनाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करके या वीडियो लाइक करके ज़रूर बताना मुझे, और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो जो इमेज है हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइक नेटवर्क इशू है, तभी लाइक एक्सपोर्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ सेकंड का थोड़ा सा टाइम लगा। सो फाइनली एक्सपोर्ट हो गया। सो थैंक यू।